हेलो गाइस आज हम बनाएंगे अपने बितुए के पराठे बितुए के पराठे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे देखिए इस ट्रिक से आप बनाइए बहुत अच्छा लगेगा हम सबसे पहले बितुए को धो कर के साफ करके कटिंग करके एक कढ़ाई में इसे उबालने के लिए रख देते हैं गैस में ऑन करके गैस में चढ़ा देते हैं आधा गिलास करीब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी के संग इसको पूरा पकाएंगे और पानी जब तक पूरा सूख ना जाए तब तक हम इसे बनाते रहेंगे हमारा जैसे ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे इसमें हम चार पांच लहसुन की कलियाँ डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी है आपके पास थोड़ा धनिया की पत्ती डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और दूसरी तरफ हम अपना आटा निकाल देते हैं और आटा हमने छान लिया है आप जितना भी आपके लगता है आप उतना आटा डालिए और आटे में नमक डालेंगे नमक डालने के बाद जो हमने मिक्सी में अपना पेस्ट तैयार किया है हम उसे डाल देंगे और इसमें बारीक प्याज भी कट कर देंगे देखिए गाई प्याज डालने में हमें बेलने में थोड़ी दिक्कत तो थो होगी लेकिन प्याज से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है थोड़ा पराठे को खसखसा बनाने के लिए हम इसमें देसी घी का भी यूज करेंगे देसी घी से पराठा थोड़ा खसखस बनेगा देखिए हमारा आटा लग चुका है अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं हमने तवा रख लिया अपना अब हम लोई लेंगे लोई को हम जितनी भी हमारे हम सेब देंगे गोल और उसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं गाय बेलने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इसमें प्याज पड़ा था तो मैंने किनारे से थोड़ा कट करके करा है क्योंकि वो किनारे से फट जैसा रहा था मेरा आप भी देख लीजिएगा और जब पराठा हमारा दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सीख जाए उसके बाद हम इसमें अपना घी लगाना स्टार्ट करेंगे ये देखिए गाइस हमारा पराठा दोनों तरफ से सीख चुका है अब हम इसमें घी लगाएंगे आप घी लगाएं या रिफाइंड जिससे भी आप बनाते हैं वो आप यूज कर सकते हैं मैं इस समय घी से बना रही हूँ हमें पराठा दोनों साइड से घी लगा के अच्छी तरह से बनाना है क्योंकि गाइस पराठा है रोटी नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा पराठा बनने में ये जल्दी बन जाते हैं और आजकल ठंडों में बेथुए का पराठा बहुत ही लाभदायक होता है आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं बनाना भी बहुत आसान है तो आप एक बार इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा जब आपका बन जाए तो आप दही या अचार या सॉस के संग जिसके संग भी आपका मन करे खाप खा सकते हैं